432 है जेसीबी का, और जो हमारे पास कल मैंने क्रेशर में दिखाया था 430 मॉडल है, इससे छोटा है, ये बड़ा है उससे। जाएगा ऊपर, ऊपर भी थोड़ा सा काम है। गुड्डू भैया है भाई, यहाँ पे लगा दिया, अभी इसका सेल्फ एकदम काम करना बंद कर दिया, यही होता पुरानी गाड़ी। कर दिया शाबाश कर दिया। पत्थर बहुत हार्ड है, इतनी आसानी से टूट नहीं रहा है, देखो कितना स्ट्रगल कर रही है मशीन और ब्रेकर दोनों। काम दोस्तों यहाँ पे राणा भाजी बड़ी खूबसूरती से चलाते हो भैया कैट का मशीन। हाइट देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट में हमें कट करना है, लगभग 30-30 मीटर की हाइट में कट करना है। देखो ये हमारे पल्लू भाजी, देखो कैसे दो दो पाइप एक साथ चालू है इनके। आया नज़ारा, आया स्पेशल जूस पी, हंसी खुशी चलाता हमारा दोस्त यार, दोस्त है अपना ये खास। एक टाइम पे जब मैं कंपनी में नया था तब मेरा रूममेट था ये भाई। टाइम हो रहा है सवेरे के 7:15, और अपन निकल गए अपने प्लांट के लिए। स्टार्ट करते हैं प्लांट को, फिर अपन निकलेंगे साइड पे। और आज मैं आपको बरेठा घाट का वीडियो दिखाने वाला हूँ, बरेठा घाट में क्या क्या काम चल रहा है हमारा रक्षा मिशन का, तो बने रहिए आज इस वीडियो में साथ। पहुँचते हैं सीधे पहले प्लांट स्टार्ट करके, काम एकदम रनिंग में जब हो जाएगा फिर चलेंगे अपन बरेठा घाट में। दोस्तों फाइनली पहुंच गए अपने पंप पे, प्लांट पे भी स्टार्ट होने वाला है। 7:15-7:30 का टाइम है इस टाइम पे, गाड़ियों की लगी है लाइन। ये अपने अशोक भैया बॉजर वाले भी तेल डालते हैं पंप पे। शिफ्ट स्टार्ट हो गई है डे वाली। एग्रीगेट शिफ्ट कर रहे हैं सामने भाई, ये लोड हो जा रहा अपना क्रशर पे। भाई ये दूसरा वाला चालू किया हमने, 432 है जेसीबी का, और जो हमारे पास कल मैंने क्रेशर में दिखाया था 430 मॉडल है, इससे छोटा है, ये बड़ा है उससे। एग्रीगेट थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, मदन भैया की गाड़ी है हमें भाई। यहाँ पे अपना एक कैट का ग्रेडर, ये कर्व के लिए चाल बना रहा है, ये जो अपन ने डीबीएम किया ना नए रोड पे, उसकी चाल बना दी। अभी जाएगा ऊपर, ऊपर भी थोड़ा सा काम है। गुड्डू भैया है भाई। दोस्तों अभी पहुंच गए अपन अपनी पेवर पे, और यहाँ पे चालू हुआ अपना लेइंग का काम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डीबीएम का फर्स्ट लेयर होते हुए, ये अपने दोनों रोलर यहाँ पे रोलिंग करते हुए। और ये जो चैनेज है वो 119 चैनेज है, लोकेशन है नीमपानी, ये नीमपानी गाँव है। यहाँ पे अपन कर रहे हैं डीबीएम की लेइंग, आगे आपको पेवर दिख रहा हो, पीछे हमने दिए दोनों रोलर भाई। टैंकर स्टार्ट नहीं हो रहा, देखो हो गया प्रॉब्लम। अभी देखते हैं इसको स्टार्ट करके, करने कोशिश कर रहे हैं धक्का मार के। यहाँ पे लगा दिया, अभी इसका सेल्फ एकदम काम करना बंद कर दिया, यही होता पुरानी गाड़ी। कर दिया शाबाश कर दिया, पूरी टीम लगा दी इसमें ये होता है। देखो 4x4 लगाने के बाद भी देखो ये डंबरों में यही प्रॉब्लम आती है साले। ये देखो ये पीछे जाएगी क्या, पीछे देखो रुको रोलर से धक्का मार दो पंडित, अच्छे से काम करो पंडित। भाई रोलर से एक बार धक्का मार के देखते हैं क्या होता है। जुगाड़ है ये टायर ही फ्री हो गया, ये कैसा घूम रहा है पागल जैसा।
भाई यहाँ चल रहा था अपना डीबीएम का लिंक फर्स्ट लेयर का, और यहीं पे ये गड़बड़ हो गया। देखो उधर से हमने धक्का मार के देख लिया, बस हुआ नहीं कुछ, और देखते हैं क्या करना है। दोनों साइड के टायर पहले फ्री कर देते हैं। थोड़ा इसका कर दिया है थोड़ा सा चेंज, देख तो कहूँ नहीं मान नहीं रही, वोट लगी है इसमें आ गया, मना कर रही है चढ़ने से, मैं नहीं चढ़ूंगी, पीछे लेके देखते काका। तूने 4x4 अभी लगाया, तभी देख तुरंत निकल गई, तुम माने नहीं। गड्ढे भरो, गड्ढे में मार दिए, वही बोल रही कोई बहुत बड़ी थी काय का, उसका ऑयल का पाइप का बोल, उसका उसमें ऑयल भी नहीं, ऑयल भी नहीं, बस अब मत ले आना जा। देखो ये मैं पल्लू बाजी, देखो कैसे दो दो पाइप एक साथ चालू हैं इनके, आया नजारा, आया स्पेशल जूस पी खत्म भाई, एक और ले लो। भाई यहाँ पे ये जो अपन रेटा घाट में है, यहाँ पे भी एक एक्सकेवेटर, और अब ये साथ साथ में लोडिंग कर रहे हैं मोरम की, और पीछे से एक्सकेवेटर से जो भी बोल्डर निकल रहे हैं, हार्ड जो भी पोर्शन निकल रहा है उसको हम ब्रेकिंग करते जा रहे हैं साथ साथ में। दो एक्सकेवेटर लगे आगे की साइड, दो एक्सकेवेटर लगे हैं पीछे की साइड, और एक एक्सकेवेटर और भी लगाया हुआ है, वो भी कैट का है, वो भी चल मोरम लोडिंग के लिए लगाया हुआ है, या बोल्डर लोडिंग भी कर रहे हैं हम लोग उससे। काफ़ी विशाल कटिंग करनी है हमको यहाँ पे, मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये अभी तो हम यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रोड का लेवल है उसी लेवल से कट कर रहे हैं, बाकी जब जो बेड की कटिंग होगी वो हम बाद में करेंगे, अभी जो जो एग्जिस्टिंग रोड का जो लेवल है उसी हिसाब से हम कट करते जा रहे हैं। तो कहीं कहीं दोस्तों इसमें बहुत अच्छा पत्थर भी निकल रहा है, और इसका हम GS भी बना सकते हैं, और कहीं कहीं बिल्कुल मुरुम भी निकल रहा है। ये हमारे काकू बाजी हैं जो मुरुम की गाड़ी लोड कर रहे हैं, और यहाँ पर ये श्याम है जो ब्रेकर चला रहा है इस मशीन पर। पास में दोस्तों यहाँ पे ये हाईवे भी बाजू से निकला हुआ है, तो थोड़ा रिस्की काम ही है ये यहाँ पे काम करना इस टाइप से, ज़रा सी मिट्टी या बोल्डर कुछ भी रोड पे गिर जाए तो प्रॉब्लम वाले ही काम है यहाँ पे। दोस्तों ये जो आप रबर के मैट देख रहे हैं ये कब यूज़ होते हैं, जब इनके साथ यहाँ पे ब्लास्टिंग करते हैं, तो रोड का किनारा है तो इन पर ब्लास्टिंग करने के लिए आपको ये रबर के मैट रख देते, जैसे पत्थर बिल्कुल नहीं उड़ता, ये वही रबर मैट है, जब ब्लास्टिंग करते हैं तब हम इनको यूज़ करते हैं। फिर अभी तो हम ब्लास्टिंग कर नहीं रहे हैं, तो केवल हम ब्रेकिंग कर रहे हैं। पत्थर दोस्तों बहुत हार्ड है, ये बिल्कुल काला पत्थर है ये। इतनी आसानी से ये टूट नहीं रहा है, बहुत हैवी है। बहुत हार्ड है, इतनी आसानी से टूट नहीं रहा है, देखो कितना स्ट्रगल कर रही है मशीन और ब्रेकर दोनों। काम दोस्तों यहाँ पे बहुत शोर सपाटे से चल रहा है अभी, तो बरेटा घाट में इस टाइम पे हमारे 5 एक्सकेवेटर चल रहे हैं यहाँ पे अलग अलग लोकेशनों पे। चलिए दोस्तों आगे चल के और दिखाता हूँ, और भी हमारे एक्सकेवेटर चल रहे हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी कटिंग, ये लगभग 10-10 मीटर की कटिंग है,
और ये आगे लगभग बढ़ती जाती है। ये जो टर्न देख रहे हैं पूरे ख़त्म करने वाले हैं हम लोग, ये पूरा कटिंग अभी और होना है। ये अभी तो हमने खड़ी कटिंग कर दी है, बाकी इसको स्लोप में और कट करना है। पूरे जो जितने भी टर्न हैं उनको हम एकदम ख़त्म करने वाले हैं यहाँ पे बरेठा में। सेवा कर लेते थोड़ा बंदरों की यहाँ पे, हनुमान की सेना है भैया। टमाटर ही मिल गए अभी यहाँ पे खाने के लिए। और दोस्तों जब भी आप इस टाइप का कुछ भी आइटम देते हैं ना तो रोड पे मत दीजिए, क्योंकि हमने बहुत देखे यहाँ पे बंदरों को मरे हुए भी। साइड में आप डाल दीजिए, वो खा जाते हैं, अच्छी सही बात है। तो यहाँ पे चल रहा है दोस्तों अपना काम, ये लगे हैं सेफ्टी बोर्ड। तो ये बरेठा घाट में हम लोग इस टाइम पे, और ये देखो घाट कितना डाउन में, वो गाड़ी कहाँ से आ रही है, वहाँ से चढ़ गए। यहाँ से लगभग 100-150 मीटर से नीचे चढ़ते हुए यहाँ पर आएंगे ऊपर, और यहाँ पर चल रहा अपना एक काम। ये सारा पहाड़ कट करना है हमको, ये सारा यहाँ 4 लेन बनने वाला सारा ये कट हो भाई। यहाँ पे चल रहा है ये जो आपका बरेठा घाट है, इसका एक्सकवेशन का काम। ये जो कटिंग कर रहे हैं हम, ये पहाड़ लगभग 25-30 मीटर हाइट में कट कर रहे हैं हम। और ये चल रहा है, आपको देख रहे हैं मेरे सामने चल रही कैट की एक्सकवेटर ब्रेकर पे। और यहाँ पे भैया अपना ये कुलवंत है, ये चला रहा है यहाँ पे। साथ साथ में इसको लोड कर करके फेंकते जा रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड है यहाँ पे। अभी रोड है यहाँ पे चालू, तो ब्लास्टिंग तो नहीं ले रहे हम, ब्रेकर से निकाल रहे हैं इसको। राणा भाजी बड़ी खूबसूरती से चलाते हुए भैया गेट का मशीन। हाइट देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट में हमें कट करना है, लगभग 30-30 मीटर की हाइट में कट करना है। कहीं यहाँ पे रोड के किनारे ये लगा दिए हमने सेफ्टी बैरिकेटर्स, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दूर से हमें कट करना है, तो मटेरियल एकदम स्लाइड होकर एकदम ना आ जाए छोटे छोटे पत्थर, उसके लिए लगा दिए ये बोर्ड। यहाँ पे बस जरा सा हमने खोला है, क्योंकि यहाँ हम काम करने वाले, तो गाड़ियाँ लगाने के लिए हमें जितनी ज़रूरत थी उतना हमने खोल दिया है। और ये साथ साथ में आती हुई अपनी गाड़ियाँ टिपर आते हुए यहाँ से लोड करके जा रहे हैं, यहाँ पे मटेरियल हम फिल कर रहे हैं वहाँ पे। ये आप देख रहे हैं टाटा के 25-23 हैं, ये BS4 में है, 2019 मॉडल है ये भाई। ये जो काम है ना थोड़ा रिस्की काम है, क्योंकि रोड का किनारा बहुत है, और नीचे देखिए खाई देखिए आप, लगभग 150 मीटर की खाई है। सामने आपको रोड भी दिख रहा होगा, वो कंटेनर चलते आ रहा है, ये वहाँ से कट होते हुए सीधा रोड यहाँ पे आएगा। और बिल्कुल हम एज पे ही कट कर रहे हैं मकान, यहाँ पर रिस्की काम है थोड़ा सा, ट्रैफिक काफ़ी है बरेठा घाट का, बहुत हैवी ट्रैफिक है। ट्रैफिक बराबर चल रहा है, थोड़ा रिस्की काम ज़रूर है, कट करना तो पड़ेगा ही। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना, जो ये बोर्ड लगाए हुए हैं वो इसीलिए लगाए हुए हैं। देखिए ये देखो, ये ऊपर से जब हम कट करते तो ये बोल्डर आ जाते हैं, तो ये बोर्डों के कारण ये देखो पूरे सेफ हैं, रोड पे नहीं गए सारे इन बोर्ड लगाए। ये बोर्ड बहुत हैवी हैं, तो इसलिए इन बोर्डों ने इन बोल्डरों को रोड पर जाने से रोक दिया है, इसलिए लगाए गए हैं। दोस्तों आपको कुछ ओवरव्यू मिल रहा होगा, मैं अभी थोड़े हाइट पर खड़ा हूँ। ये जो घाट है अभी हम घाट के ऊपर हैं, और यहाँ पे ही हम कट कर रहे हैं पूरा हिस्सा। और ये जो रोड है आपको नीचे भी रोड दिख रहा होगा, गाड़ियाँ जाते हुए दिख रही होंगी नीचे, वो ट्रक आ रहा है सामने से, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो घाट है इसको पूरे को कट करके एक बढ़िया तरीके से बनाना है। गाड़ी भर गई, गाड़ी कार्ड क्लोज करा रही है, क्योंकि टाइम हो गया शाम का 6:30 बजे का टाइम, और यहाँ पे अब हम 6:30 बजे 7 बजे के बाद हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते भाई। एक अलग दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ मैं, ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गए। काफ़ी हार्ड कटिंग है, जितना लूज़ लूज़ इस मशीन से निकलता था हम इससे निकाल देते हैं। बाकी हमारे पास एक बड़ी मशीन है 370 है, वो टाटा की है, उससे निकाल देते हैं, उसके बाद फिर हम ब्रेकर ही लगा देते हैं। अगर ज़्यादा हार्ड कटिंग आ गई तो फिर हम फिर उसको ब्लास्टिंग भी करना पड़ता है हमें यहाँ पे। गाड़ियाँ लाइन से आती जा रही है एक के बाद एक खाली होने के लिए, यहाँ से लोड हो जाएंगी, यहाँ से 4 किलोमीटर नीचे जा रहा हूँ वहाँ पे खाली हो रही है। काकू भाजी हमारी लोडिंग करते हो यहाँ पे,
बोल्डर बोल्डर दोस्तों एक तरफ कर दिए हैं क्यों, और मुरम मुरम जितना है उसको अलग जगह स्टॉक कर रहे हैं, बोल्डर अलग जगह जा रहा है। मुरम तो जा रहा है सीधे नीचे बेड पे, कुछ आरी पैनल पे जा रहा है, और जो हार्ड टाइप का बोल्डर निकल रहा है वो अलग जा रहा है। जाम लग जाता थोड़ी थोड़ी देर में, अब अपना गिरू चला रहा भैया पोकलेन कुलवंत है भैया, ये भी एक ऑलराउंडर बंदा भैया हमारी कंपनी का, इससे भी आप रोलर चलवा लो, जेसीबी चलवा लो, इससे तो मैंने अपोलो की पेवर भी चलवाई थी, और सिंगल ड्रम रोलर चलवा लो, डबल ड्रम रोलर चलवा लो, एक्सावेटर जेसीबी चलवा लो, हाईवा भी चला लेता बंदा, ये भी एक ऑलराउंडर टाइप का बंदा ही हमारी कंपनी में, जो पकड़ा दो सब अच्छा, खुशी खुशी चलाता हमारा दोस्त यार, दोस्त है अपना ये खास। एक टाइम पे जब मैं कंपनी में नया था तब मेरा रूममेट था ये, अभी मेरी फैमिली रहने लग गई तो मैं अलग रहता हूँ, ये अलग रहता है, नहीं बाकी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। दोस्तों अभी ये दो गाड़ी और भरेंगे, इसके बाद करेंगे हम गाड़ियाँ मशीन को करेंगे बंद, साइड में खड़ी करेंगे मशीन जहाँ पे हमारे वॉचमैन आते हैं, उधर पीछे तीन मशीन ये एक तरफ खड़ी होती हैं, बाकी की दो मशीन एक तरफ खड़ी होती हैं, और सूर्यास्त भी हो गया है और अब अंधेरा होने वाला है, तो दो गाड़ी भरने के बाद हम करेंगे बंद। ये फॉरेस्ट की गाइडलाइंस हैं तो निकलते हैं यहाँ से, और इसमें एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा वरेटा घाट का, जो क्या क्या होना है, क्या क्या कट होना है, क्या क्या नहीं होना है, वो मैं आपको ज़रूर बना के बनाऊँगा। और एक क्रशर का वीडियो आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं कि क्रशर का पूरा डिटेल वीडियो बनाइए, तो मैं क्रशर का डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, और रनिंग का वर्किंग वीडियो लाऊंगा, जिससे किस हिसाब से उसका काम चलता है, किस हिसाब उसके जो इंजीनियर साहब हैं एक हमारे पास, उनसे पूरी डिटेल लेके आपको बताऊंगा, स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि शाम का हो गया टाइम, ये दो गाड़ी भर के हम भी करेंगे बंद और मशीन को करेंगे खड़ी, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। कुछ भी दोस्तों कमेंट में मेरे को जो भी आपको प्रॉब्लम रहती, कुछ भी जो भी पूछना है मेरे को कमेंट में, आप बेफिक्र होके कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब, हर जो भी मुझे कमेंट करता है मैं सबका जवाब देता हूँ, तो बने रहिए और मिलते हैं अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।